टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स। टिली स्मिथ, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल लड़की थी, वह कई जीवन को बचाने में सक्षम हो गई थी। वेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, जब थाईलैंड में फुकेट नामक बीच पर सुनामी आया था। दो सी हैज वोन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, हालांकि उसने कई अवार्ड्स जीते थे। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन, उसके माता पिता ने उसे अनुमति नहीं दिया था टेलीविज़न पर इंटरव्यू देने के लिए। एंड मेड इन टू ए हीरोइन, और हीरोइन बनने के लिए। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आप क्या सोचते हो कि उन्होंने यह डिसीजन क्यों लिया? आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, अब यहाँ पर थाईलैंड से एक कहानी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। कह रहे हैं स्मिथ परिवार, जो कि दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड से बिलोंग करता था, वो लोग अपना क्रिसमस का त्यौहार दक्षिणी थाईलैंड में एक बीच पर, एक रिसॉर्ट था वहीं पर त्यौहार मना रहे थे, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। टिली स्मिथ वाज ए 10-year-old स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ 10 साल की स्कूल गर्ल थी, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी। हर सिस्टर वाज 7-year-old, उसकी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वेयर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उनके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। इट वाज 26 दिसंबर 2004, यह 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वेयर ऑलरेडी ऑन देयर वे, भयानक सुनामी लहरें पहले ही उनके रास्ते में आ गईं। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस सुबह बिल्कुल तड़के उत्तरी सुमात्रा से एक भयानक भूकंप के साथ ये सुनामी शुरू हुई और उनको डराया। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पानी उमड़ रहा था और लगातार अंदर आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, पेनी स्मिथ ने याद किया, द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, कि जो बीच था या जो समुद्र तट था वो छोटा और छोटा होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो वाट वाज हैपनिंग, मैं नहीं समझ सकी कि हो क्या रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ ने अनुमान लगाया कि कुछ गलत हो रहा था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू जियोग्राफी लेसन, उसका मस्तिष्क भूगोल के लेसन की तरफ जा रहा था। सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, जो लेसन उसने 2 हफ्ता पहले लिए थे और अपने परिवार के साथ थाईलैंड में आने से 2 हफ्ता पहले जो लेसन लिए थे। टिली सा द सी स्लोली राइज, टिली ने सागर को धीरे धीरे उफनते हुए देखा। एंड स्टार्ट टू फोम बबल एंड फॉर्म वर्लपूल, और फिर उसने सागर को एक झाग का रूप लेते हुए देखा, बुलबुले का रूप लेते हुए देखा, और फिर चक्रवाती रूप लेते हुए देखा। सी रिमेम्बर दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी, उसे याद आया कि उसने ये दृश्य तो अपने क्लास में देखा था एक सुनामी के वीडियो में। दैट हैड हिट द हवाइन आइलैंड इन 1946, जिस सुनामी ने 1946 में हवाइन आइलैंड को चोट पहुंचाई थी या ध्वस्त किया था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसके भूगोल के टीचर ने क्लास को वो वीडियो दिखाया था। एंड टोल देम दैट, और उन्होंने उनसे बताया था या स्टूडेंट्स लोगों से बताया था कि सुनामीज कैन बी काज बाई अर्थक्वेक्स वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, बताया था कि जो सुनामी होता है वो भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत खिसकने से या ज़मीन खिसकने से होती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली जोर जोर से अपने परिवार से चीख चीख के कहने लगी कि वहाँ बीच से हट जाए, बीच से भाग जाए।
सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वह सागर के नीचे एक भूकंप की बात करती थी। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था। सेड हर मदर पेनी, ये बात उसकी माँ पेनी बताती है। आई डिड नॉट नो व्हाट ए सुनामी वाज, मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या होता था, क्या चीज़ थी। बट सीमिंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मैं अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देख करके आई थाट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मैंने विचार किया कि कुछ गंभीर घटना घटने वाली है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्राम द बीच, टिली के माता पिता उसे और उसकी बहन को बीच से दूर ले गए, समुद्र तट से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट ए होटल, एक स्विमिंग पूल की तरफ ले गए एक होटल के पास। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, एक बड़ी संख्या में जो यात्री थे वो लोग भी उनके साथ समुद्र तट छोड़ दिए, बीच छोड़ दिए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, तब ऐसा लगा मानो पूरा सागर उनके पीछे पीछे भाग रहा था। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चीख रही थी दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, परिवार ने एक होटल के तीसरे फ्लोर पर शरण लिया था। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ थ्री सुनामीज वेव्स, ये बिल्डिंग तीन बार सुनामी की लहरों से टकरा कर जीवित थी या बनी हुई थी, कहने का मतलब बिल्डिंग मजबूत थी। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, अगर वे समुद्र तट पर होते तो वो जिंदा न बचते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट, स्मिथ परिवार बाद में अन्य यात्री लोग से मिले। हु हैड लास्ट एंटायर फैमिलीज, जिन लोगों ने अपना पूरा परिवार खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉर वार्न्ड, धन्य है टिली का या शुक्रिया है टिली का और उसके भूगोल के लेसन का जिसने पूर्व चेतावनी दे दिया। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली वापस इंग्लैंड में अपने स्कूल गई एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और उसने अपने सहपाठियों को अपनी भयानक कहानी सुनाया। तो स्टूडेंट्स, ये दूसरा पार्ट सुनामी का डन हो गया। थैंक यू।